निकलने का टाइम है, फॉग इतना हो गया कि स्टैच्यू हम लोग अब दिख नहीं रहा है। चलिए मैडम टिकट टिकट। फॉग बहुत ही जबरदस्त है, बट टाइम हो गया सुबह का 7 बज गया, हम लोग उठे थे 5 बजे और निकलते निकलते हो गया 7। अभी मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ से जा रहा हूँ, क्या चीज़ से नहीं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, सब आपको वीडियो में मालूम चलेगा। तो हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हो, होप करता हूँ कि आप सब अच्छे हो गए, मेरी तरह मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले जाते हूँ नीचे, मैं हड़बड़ी में इसलिए हूँ क्योंकि सब वेट कर रहे हैं। लगभग घर से निकलते निकलते हम लोगों को हो गया लगभग 7:20 शायद, पता नहीं, रुको मोबाइल अभी ऑन हो रहा है, रात से ही स्विच अप पड़ा, रात से ही चार्ज में लगाया हूँ, पावर बैंक चार्ज में लगाया था, अभी पावर बैंक तो फुल चार्ज है बट ये मोबाइल मेरा 30% स्लिप चार्ज है, तो देखते हैं कितना परसेंट चार्ज होता है। अभी तो जा रहा हूँ, देख लो, बाइक से भी नहीं जा रहा हूँ, ना FZ लेके जा रहा हूँ, ना डोमिनर लेके जा रहा हूँ, आज फैमिली ट्रिप है, आज फैमिली के साथ ही जा रहा हूँ। तो देखो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में आप लोगों, अभी मैं थंबनेल और टाइटल से तो आपको मालूम चली गया होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, बट सस्पेंस रखते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस खेलते हैं हम लोग भी। अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा फैक्ट्री में, अपना फैक्ट्री में थोड़ा कुछ सामान निकालना है मेरे को, एक बार जाता हूँ फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। चलिए मैडम टिकट 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 लाइए, जल्दी खा जाना, तो 100 रुपया बच्चा का फ्री, बच्चा घूमो, बच्चा फ्री घूमो, कोई टिकट का पैसा नहीं दे रहा है, कैसे जाए, कौन पैसा देगा तुमको। चाय का 10 रुपया लगेगा मैडम, चाय गर्म पिएगा कोई चाय, फिर गाना बजा दिया, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, बंद कर रहे हैं हम तब, बाय। अब ये दिल्ली बहुत दूर है, 10 मिनट के लिए होल्ड है, 10 मिनट रुक जाओ, बाप रे टाइम हो गया 9:19, अभी हम लोग आए तीस्ता ब्रिज के ऊपर, अभी तीस्ता ब्रिज पे यहाँ पे देखो 10-15 मिनट का होल्ड होगा, 10-15 मिनट बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सब आए हैं तो थोड़ा आराम से मौज मस्ती करते हुए घूमते घूमते निकले। और सूरज देवता ने आज हम लोगों ऊपर कोई रहम ही नहीं किया, आज सूरज ही नहीं निकला, धूप ही नहीं निकला। मैं अभी आपको मौसम दिखाऊंगा, आपको हो सकता है कि मेरा पीछे से मौसम दिख ही रहा होगा बट सूरज तो निकला ही नहीं है भाई, 9 बज रहा है, काफ़ी भयंकर वाला ठंड है, सुबह 6 बजे का उठाऊँ तो ठंड उतना नहीं लग रहा है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो एक बार देख लो यहाँ का व्यू पॉइंट कैसा है। इतना जबरदस्त वाला धुंध है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे, ये देखो उसके आगे बहुत अच्छा ब्यूटी दिखता है, अगर धूप रहता ना तो काफ़ी सही फोटोज भी आता और काफ़ी सही नज़ारा देखने ही मिलता। ओ मेरा भाई क्या ठंड है, ठंड है जबरदस्त, बोले तो ठंड एकदम जबरदस्त है। मैं यहाँ पे आया हूँ बट फैमिली के साथ मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और इससे पहले हम लोग त्रिवेणी में 2020 का मतलब नया साल हम लोग त्रिवेणी में मनाए थे, न्यू ईयर पिकनिक मनाए थे, और इस बार हम लोग घूमने गए हैं, इस जो लोकेशन देख लो यहाँ पे मतलब घूमने आया, और भाई वहाँ पे देखो फोटो शूट चल रहा है, सभी का फैमिली का सभी का फोटो ज़बरदस्त आ रहा है, देखने इंस्टाग्राम में आपको मिल ही जाएगा, और वीडियो में जितना हो सके उतना कर पा रहा हूँ क्योंकि फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, वीडियो कम बनाता, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। ठीक 12 बजे, 4 मिनट बचा है, 12 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं राम बंगला, ये है पीछे मेरा बुद्धा पार्क, आपको दिख रहा होगा, मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ। अभी भाई यहाँ पे ज़बरदस्त ठंड है, ज़बरदस्त बहुत ख़तरनाक वाला ठंड लग रहा है मेरे को, तो मौसम ही ऐसा है कि ठंड लगेगी, आप मौसम खुद ही देख सकते हो, बहुत ख़तरनाक मौसम है, फॉग ही फॉग है, मतलब कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, और ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आज जस्ट मंडे,
मंडे को ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, संडे का दिन में ज़्यादा भीड़ होता है। तो एक बार मैं जाता हूँ अंदर में, दिखाता हूँ आपको क्या है, मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में। तो कुछ सिनेमैटिक शॉट अभी आप लोग इन्जॉय करो। यहाँ पे फॉग इतना है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बुद्ध भगवान का जो मूर्ति है वो ठीक से नहीं दिख रहा है। मैं आपको कैमरा में दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा नहीं, पता नहीं कैमरा का लेंस उतना दिखा रहा है कि नहीं, बट अपने आंखों से देख रहा हूँ तो उतना ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से मैं थोड़ा और सामने जा रहा हूँ और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेमैटिक शॉट में आप लोग देखना, मज़ा आ जाएगा। जाने में तो मज़ा आ रहा है, ऊपर आने में फटेगा और वहाँ पर सीढ़ी पर ऊपर जाने में फटेगा। सो गाइस, ये जो पॉइंट है इसके अंदर अगर आप कॉइन डाल के विश मांगोगे तो वो विश आपका पूरा होता है। इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जितने भी मैं देखा सब में कॉइन भरे पड़े हैं। तो इसके अंदर अगर आप विश मांगते हो तो वो विश आपका ज़रूर पूरा होगा। तो एक बार आके ज़रूर आप मांगना, ठीक है, अपना विश। और भाई यहाँ से जो व्यू है ना काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको देखे आप तो देख ही लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आगे देख लेना। और मैं अभी जो स्टैचू है जस्ट उसके पीछे हूँ, यहाँ से देखने में बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एक्चुअली है, बड़ा भी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, खतरनाक लग रहा है देखने में, ज़बरदस्त है भाई मेरे, बहुत मस्त है। अगर आप नहीं आया तो एक बार ज़रूर आना, मैं तो आपको दिखा दिया एक बार अपने थ्रू, बट फिर भी। और जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये घास जो रेडीमेड जो घास दिख रहा है ये नहीं था, अभी ये जस्ट 2 years ago आया था, 2 साल पहले आया या 2.5 साल पहले कुछ आया था, तब ये नहीं था, अभी ये रिसेंटली कभी बना होगा, मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता अभी इसके बारे में। बट यहाँ पे फॉग इतना है ना कि भाई क्या ही बोलूँ, बहुत ज़बरदस्त फॉग है और ठंड बहुत ज़बरदस्त है। मैं दो दो जैकेट लगा के रखा हूँ अभी, भाई तबीयत से रिस्क कौन लेगा मेरे भाई, तो वही बात है। तो अभी देखो बस थोड़ी देर में यहाँ से भी निकलेंगे हम, थोड़ी देर में निकलने के बाद, क्योंकि घूमने आए हैं थोड़ा, यहाँ पर सब फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, मैं तो फोटोज़ नहीं लेता हूँ ज़्यादा, वीडियो से ज़्यादा लेने का सोचता हूँ। तो फिर भी जाऊँगा इंस्टाग्राम में, अगर आप फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा फोटोज़ देखने मिल जाएगा आपको मेरा, यहाँ का या फिर कहीं का भी हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, ये रहा हैंडल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, और इंस्टाग्राम में भी बहुत अपडेट दे देता हूँ तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना आप लोग। और वो जो झरना है, वो झरना का साउंड जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मज़े का सुनाई दे रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं कोई साउंड इफेक्ट एडिट नहीं कर रहा हूँ तो आपको सुनाई अच्छे से दे देगा, और देखने में भी काफ़ी बढ़िया है। एक बार मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये रहा कुछ बुद्धा पार्क का जो आपको लोकेशन में दिख गया। और मैं अभी बुद्धा स्टैचू के जस्ट एकदम पीछे हूँ, एकदम बिहाइंड हूँ, और यहाँ से एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि फैमिली वाले जो है वो लोग निकल गए हैं यहाँ से, मतलब पार्क से बाहर निकल चुके हैं, मैं लेट हूँ क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ उसकी वजह से। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, निकलना इसलिए क्योंकि अभी हम लोग को जाना है नामची चार धाम, और ये जो आप है ये पूरा वहाँ से नीचे तक है, वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे चिल आउट करने के लिए बैठने के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप आके बैठ सकते हो आराम से। अभी मैं तो हूँ थोड़ा हड़बड़ी में, तो मेरे को तो अभी निकलना होगा यहाँ से। तो बस ये था आपका लास्ट लोकेशन बुद्धा मंदिर का, बुद्धा पार्क का, जो भी बोल सकते हो आप। तो मिलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन में।
फिर हम यहाँ से निकलते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं ऑन द रोड कार के अंदर। ओ गाइस, अभी देखो हम लोग अभी निकल रहे थे, निकलने का टाइम है, फॉग इतना हो गया कि स्टैचू हम लोग अब दिख नहीं रहा है, बुद्ध जो स्टैचू है वो नहीं दिख रहा है। ये है आपका लास्ट लोकेशन, देख लो, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। नीचे नीचे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, रोड भी तो इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, सामने जाने से दिख रहा है, दूर से तो कुछ दिख रहा है, देख दे, दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा कुहासा ही कुहासा, कुहासा ही कुहासा ना, कुहासा ही धुंध ही धुंध, धुंध ही धुंध आसमान का। अरे वो मीम्स देखा था ना एक, मैं पागल था जो यहाँ पे आया। नामची पहुंचते पहुंचते 3 बज चुके हैं, हम लोग रावंगला से नामची आए, लगभग 1.5 घंटा लग गया आते आते, 3 बज चुका है अभी। हम लोग का लंच हो गया है, सब कुछ हो गया है, उसका मैं शूट वगैरह कुछ नहीं किया हूँ, तो अभी देखते हैं, एक ही बार डिनर करेंगे तो वहाँ पे शूट होगा। तो अभी ये देख लो, यहाँ पे स्टैचू है बट वो दिख नहीं रहा है, इतना आज दिन इतना ख़राब है कि फॉग बहुत ज़्यादा है, धूप रहने से काफ़ी बढ़िया से दिखाया देता बट फॉग इतना है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो एक काम करो, ये जितना भी व्यू है आप एक बार में सिनेमैटिक शॉट में ही देख लो तो मज़ा आएगा, बोलूँगा बैकग्राउंड में तो मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस जितना हो सका मैं आपको दिखाने का कोशिश किया, सिनेमैटिक शॉट में दिखाया, ज़्यादा वीडियो का लंबा नहीं करना था, उसकी वजह से मैं एक एक चीज़ डिटेल में नहीं गया। डिटेल में जाना है तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हो, लास्ट में जाकर देख लेना। दो साल पहले लगभग मैं आया था तो उस टाइम में अच्छा से वीडियो बनाया था, उस टाइम का वीडियो आप देख लेना। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट साइड, दिस इज वी व्लॉग साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। GoPro भी डिस्चार्ज है, मेमोरी भी फुल, 64 GB आई थिंक, हाँ 64 GB फुल हो गया। तो मिलते हैं, अभी हम लोग निकलेंगे घर, खाना वाना खाएंगे, निकल जाएंगे। तो बस यही था, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।